प्रेम संदेश तपस्वी आदर्श परिवार की ओर से महिमागंध सिंह योगी शहीद मंदिर प्रांगण में पधारे आप सभी सभ्य समाज पत्रकार बंधुओं का हृदय से स्वागत करता हूँ। आप सभी ने इतनी भागदौड़ भरी जिंदगी से इतने व्यस्त दिन होने के बावजूद इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला, उसके लिए आपका आदर आभार अभिनंदन करता हूँ। आज श्री गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश उत्सव पर उनको सत सत नमन करता हूँ और साथ में योग माता जी गणपति देवी जी को नमन करता हूँ। अब चलते हैं मित्रों इस महत्वपूर्ण गंभीर संवेदन विषय की ओर, जिसके कारण इस कार्यक्रम का मजबूरी विश आयोजन करना पड़ा। आज हमारा देश बड़े ही विषम और विचित्र दौर से गुजर रहा है, जिससे हर वर्ग प्रभावित है, जिसमें हमारे राजनेताओं के बयान मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे कुछ ही बयानों की ओर मैं आपका ध्यान दिलवाना चाहता हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के समक्ष अपना ध्येय स्पष्ट करना चाहूँगा। मेरा दूर दूर तक दिल मात्र भी यह इरादा नहीं है किसी को अपमानित करूं या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं। मेरा तो यह ध्येय है कि हम देशवासियों को भ्रमित घृणित करने वाले बयानों से बचा जाए और हमारी मानवता नैतिकता और राष्ट्रीयता कलंकित होने से बचे। दूसरा यह कि हम अपने सच्चे इतिहास से अवगत हो जाएं और हम प्यार प्रेम अमन चैन और सद्भावना से सरल सूक्ष्म सुरक्षित जीवन जिए। इन्हीं संदर्भ में सूर्य प्रेरणा से कौन बनेगा क्वार्टर करोड़पति में विजेता नामक प्रतियोगिता के आयोजन का मुख्य प्रयोजन बना है, जिसका शीर्षक है हमारे आदर्श कौन और क्यों। प्रतियोगिता का शुभ आरंभ कुछ इस प्रकार, वह देश के इतिहास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा परमात्मा महापुरुष राष्ट्रपिता और लक्ष्मी माता के साथ पूजने वाले पूजनीय हमारे बापूजी, जी हाँ हम बात कर रहे हैं श्रीमान श्री करमचंद गांधी जी के। परमादनीय श्री मोहन दास करमचंद गांधी जी की जीवन चरित्र को लेकर देश के दो शीर्षक राजनीतिक नेताओं ने भिन्न भिन्न शब्दार्थ भावार्थ और सांकेतिक भाषा में राष्ट्र को संबोधित किया, जिसे मैं पढ़ना नैतिकता और सभ्यता के विरुद्ध समझता हूँ। मेरी अंतरात्मा ऐसा करने की मुझे आज्ञा नहीं देती, इसलिए पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूँ कि इस बयान की कवरेज करने की कृपा करें।